अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो आप खोलें पेज नंबर 1, इस पे देखें चैप्टर का नाम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। हम देखते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन से हमारी बॉडी में जो है वो कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट हैं, वो किस तरह जो है अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप चलें फर्स्ट पैराग्राफ पे, ये चैप्टर नंबर 1 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है। तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट टू वर्क प्रॉपरली। के हमारी जो बॉडी है वो किस पे मुश्तमिल है, डिफरेंट ऑर्गन्स पे, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है कि हर ऑर्गन का क्या है, कोई प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है, या हर सब ऑर्गन क्या है मिलके कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वर्क जो है प्रॉपरली कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारी आई है, ठीक है, आई का क्या फंक्शन होता है, देखना, ठीक है। इसी तरह आप देख लें हमारा हैंड है, तो ये भी एक ऑर्गन है ना हमारा, इसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी चीज को टच करते हैं, कोई काम करते हैं। इसी तरह ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट जो है उन ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होती है, और सब ऑर्गन जो है वो मिलके क्या करते हैं, कोई प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो पार्ट्स हैं बॉडी के, ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलके क्या बना रहे होते हैं, होल ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। पहले हमने क्या बात की कि ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं और वो वर्क परफॉर्म करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन को देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो मिलके फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग विद इन द बॉडी, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। इसी तरह कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जो जो के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उनमें से कुछ जो है वो नीचे दिए गए हैं। देखें आप, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, जो इसके नीचे देखें उन ऑर्गन सिस्टम के उन्होंने नाम दिए हुए जो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, उसके बाद देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सारे वो ऑर्गन हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम है मिलके, ठीक है। ये क्या है, ये होल जो है, ये सारे जितने दिए गए हैं ये सब ऑर्गन सिस्टम है, जो के मिल के हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो उसके जरिए क्या होता है, जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा जो है वेस्ट होता है वो रिमूव होता है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें कि हमारा ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन हो रही होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें, हम जो खुराक खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है, ठीक है, यानी खुराक जो हम हजम होती है, हमें जो उसकी ब्रेक डाउन होती है वो किस में होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए होती है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो इसके जरिए क्या हम करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है ये किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। इसके बाद आगे देखें, बात करें नर्वस सिस्टम की, ठीक है। हमने जो पीछे सारे ऑर्गन सिस्टम देखे हैं जो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, अब हम इनके रिलेटेड जो है डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो देखें, कह रहे कि जस्ट इमेजिन डैट यू आर वॉचिंग टेलीविजन एंड यू वांट टू टर्न अप द वॉल्यूम। कि हम ये चीज़ इमेजिन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें हम क्या चाह रहे हैं कि हम उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करें, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा करें। विदाउट टेकिंग योर आइज ऑफ द स्क्रीन यू वांट टू फाइंड द रिमोट कंट्रोल ऑन अ टेबल नेक्स्ट टू यू। हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद किए बगैर ही हम क्या, हम कोशिश करते हैं कि हम किसको उठाएं, रिमोट को उठाएं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये स्टिमुलाई है, यानी जो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है,
हमारे जो है ऑर्गन तक पहुंचा रहे के, मतलब हमने फंक्शन क्या करना है, यानी हमें किस चीज की, आप समझिए कि हमें क्रेविंग हो रही है कि मतलब हमने क्या करना है। ठीक है, हम कोई वो चीज भी तो उठा सकते हैं ना, जैसे आप इमेजिन कर लें कि कोई पेंसिल पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, लेकिन हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम इंक्रीज करना है टीवी का। तो ये हमारा जो सेंस है, ठीक है, हमें क्या मैसेज देगा कि हमने क्या उठाना है, रिमोट उठाना है। तो हम किसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, अपना रिमोट की तरफ। इसी तरह यू विल नॉट टच अ ग्लास ऑफ वाटर लाइंग ऑन अ टेबल बिकॉज इट डज नॉट फील लाइक द रिमोट। अगर कह रहे इसकी बजाय अगर ग्लास पड़ा हुआ टेबल पे, तो हम क्या करेंगे, हम उसको नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज फील होगी है पहले ही कि हमने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करने के लिए रिमोट उठाना है, ना कि ग्लास। योर ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग द स्टिमुलाई गैदर बाय योर सेंस ऑफ टच। ठीक है, और ये हमें सेंस ऑफ टच जो है कि कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा ब्रेन। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लास की बजाय क्या उठा रहे हैं, रिमोट उठा रहे हैं टीवी का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमें सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंस ऑफ टच जो है हमें दे कौन रहा है, स्टिमुलाई हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन, यानी नर्वस सिस्टम हमारा। हमारे नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या आता है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट से बेसिक, कौन कौन से, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, के हमें मैसेज कौन प्रोवाइड करता है, ब्रेन। ठीक है, इफ यू हैड नो वे टू इंटरप्रेट इट्स स्टिमुलस, यू माइट पिक अप एनी अदर आइटम ऑन द टेबल इंस्टेड द रिमोट। कहते हैं कि हम पहले इस चीज हमें देखिए कि हमें सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेन। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम रिमोट को टच कर रहे हैं। और अगर क्या हो, इसकी बजाय हमें ब्रेन से जो स्टिमुलस वो ना मिले, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बजाय किसी और रिमोट की बजाय किसी और आइटम को उठा लेंगे। ठीक है, यानी ये सारा फंक्शन किसका है, नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का। जितने भी स्टिमुलस हमारे, हम कह सकते हैं कि जितने भी हमें स्टिमुलस मिलते हैं हमारी बॉडी में, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, उसका स्टिमुलस हमें मिलता कहाँ से, हमारे नर्वस सिस्टम से। कंट्रोल कौन कर उसको कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। मेनली इसमें क्या इन्वॉल्व है, हमारा ब्रेन। आगे नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देखें, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, किसका, नर्व्स का और सेल का। ठीक है, क्या बात कर रहे हम, नर्वस सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका, नर्व्स का और सेल्स का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। अब ये नर्व्स सेल जो है, ये क्या मिलके बना रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। इसके बाद आगे देखें, दैट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, ये मैसेज लेके आते हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और आगे उसको ट्रांसफर किधर करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम की हम डेफिनेशन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक्सरसाइज में देखें, ये आपका शार्प क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। आप देखें यहां से पेज नंबर 2 पे, जो सेकेंड फर्स्ट लाइन के नीचे देखें, नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, आपने यहां से करनी है ये, कि नर्वस सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का और सेल्स का। ठीक है, जो क्या करता है, मैसेज लेके आता है ब्रेन से और स्पाइनल
नॉर्मल कार्ड से और आगे उसको ट्रांसफर किधर करता है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट से उन तक जो है वो मैसेज ट्रांसफर करता है। इसके बाद आगे देखें, योर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हमने इतना ही स्टडी करना था, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक हो गया, तो आपने ये याद रखना है, आपका जो क्विज होगा उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है, उसमें कौन कौन से सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो रहे। ठीक है, ये सिस्टम देख लें, हमने देखें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम जो है इन्वॉल्व हैं। हमने देखे हैं नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह आप ये डेफिनेशन आपने देखी है इसकी नर्वस सिस्टम की, तो ये आप लोगों ने इसकी साथ ही निशान भी लगा लेना और तैयारी भी करनी है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।